हेलो भाई, ये देखिए ये परदोस का दिन है और तारीख है ये 11। धीरे धीरे धीरे। इस दिन मैं परदोस के लिए शाम को मंदिर गई थी। ये हमारे घर के सामने बजरंगबली का मंदिर है और मैं यहाँ पूजा करके, पूजा नहीं, मैं संध्या आरती के समय गई थी। और ये देखिए कल हमारे शहर में श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ फूलों की सजावट के लिए पूरी तैयारी चल रही है। और ये सारे फूल जो हैं रात भर में पूरे मंदिर में सज जाएंगे और प्रशासन भी उतना ही आया हुआ है। ये दुर्गा माँ का मंदिर है और यहाँ मैं संध्या आरती कर रही हूँ। शाम के टाइम में मंदिर में संध्या आरती होती है तो वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी देवघर आएँ तो ये आरती ज़रूर देखें। ये यहाँ स्क्रीन पर अंदर बाबा की संध्या पूजा चल रही है तो यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पर ये देखिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी इसी रास्ते से होकर मंदिर जाएंगे तो ये ऊपर में बहुत ही अच्छा सजावट किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये वही रास्ता है जिधर से मंदिर जा सकते हैं। और ये हम सुबह होके हम स्कूल जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है। और क्योंकि जहाँ पर स्कूल है उधर से भी नरेंद्र मोदी जी गुजरेंगे तो इन लोगों को वहाँ पर अपना बेस्ट देना है, उनका स्वागत करना है। तो काफ़ी बच्चे आए हैं, जूनियर बच्चों को नहीं बुलाया गया है क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी तो वो लोग उतनी देर खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ये 8, 9, 10 के बच्चे हैं उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। ये सब आकर यहाँ पर जमा हो चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद बाहर में जिस रास्ते से मोदी जी गुजरेंगे वहाँ पर लोगों को खड़ा किया गया है। ये देखिए ये लोग काफ़ी देर यहाँ पर खड़े रहे और जब गाड़ी यहाँ से गुजरी मोदी जी की तब झंडा लहराते हुए और ऊँच उठते हुए जब लोग यहाँ से गुजर गए तब हम लोग यहाँ से वापस अपने घर गए।
वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मोदी जी हमारे शहर में आए हुए थे तो हमने उनको गाड़ी में देखा और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे 4-5 घंटे लाइन पे खड़े रहे और काफ़ी अच्छा रहा देवघर का नज़ारा। पूरा देवघर वासी रोड पर आ चुके थे और दिन में तो हम खाना भी नहीं बना पाए क्योंकि हमारे आते आते 4-4:30 बज गया था। तो हल्का फुल्का कुछ हम लोग खा लिए और अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और रोटी रात के डिनर के लिए।